दीप की पंजाबी सोई में आज आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि घर पर कूटने और धनिया की चटनी कैसे बनाते हैं। आइए हम आपको इसकी सामग्री बताते हैं। जहाँ पर मैंने कूटना लिया है उसको मैंने तोड़कर अच्छे से धो लिया है, और जहाँ पर मैंने धनिया उसको भी मैंने तोड़कर अच्छे से धो लिया है। और यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है, ये छोटा छोटा काट लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा इमली का पानी और नमक स्वाद अनुसार। आइए हम आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने मिक्सर लिया है, पहले हम इसमें कूटना डालेंगे। फिर धनिया डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे, और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ढक्कन लगाएंगे हम इसका और 2 मिनट के लिए इसे चलाएंगे। अब हम इसे बंद कर देंगे। ये देखिए हमारी चटनी जो तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा इमली का पानी डालेंगे, इससे जो टेस्ट है थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। और 1 मिनट के लिए हम इसे फिर चलाकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारी चटनी जो बनकर तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी पूतने और धनिया की चटनी बनकर तैयार है। आप इसे सब्जी के साथ, दाल के साथ भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।